अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंटर किए हुए हैं और जिन लोगों को कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही और बहुत सी कंट्रीज से जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कनाडा के बारे में। कनाडा का एक ऐसा रीजन है जिसका नाम मैनिटोबा है। मैनिटोबा का कैपिटल है विनीपेग। तो ये जो जितनी भी जॉब्स हैं सारी विनीपेग में हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इंसान को कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ आपको कुछ नहीं खोना, बस आपको कहीं ना कहीं दुनिया में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो इसी तरह यहाँ भी बहुत से लोग जाने से घबराते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सर्दी होती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इस सर्दी और ऐसी बहुत सी रुकावटों को फेस करना होगा, जब ही जाके हम अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर सकेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ विनीपेग के बारे में। विनीपेग ने दोबारा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है क्योंकि कोरोना की वजह से तमाम मामलात रोक दिए गए थे। तो आप इसको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। बेसिकली विनीपेग के कुछ जॉब्स फेयर्स थे यूक्रेन और तुर्की में, जो कि कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल कर दिए गए थे। तो फिर इन लोगों की एक कमेटी बिठाई गई, उन लोग ने ये डिसाइड किया कि ये जो भी इंटरव्यूज़ हमें जॉब फेयर में लेने थे वो सारे इंटरव्यूज़ अब ऑनलाइन अरेंज कर दिए गए हैं, जो कि 21 से 25 मई तक के दरमियान होंगे। तो मैं पहले आपको विनीपेग का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करूँगा वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन का क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू अपडेट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं विनीपेग की। विनीपेग को बहुत से न्यू स्टाफ की ज़रूरत है। मैं आपको आज इसके कम्प्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप अप्लाई करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। मैं हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, ये विनीपेग की ऑफिशियल वेबसाइट है। आज मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा इसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं और कौन कौन लोग इसमें अपना NOC कोड वगैरह सर्च कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे टेक्नीशियन की जॉब्स हैं, एरोस्पेस की हैं, ट्रकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, नीचे आप देख सकते हैं सारी। लेट्स सपोज हम ट्रकिंग की बात करते हैं तो ट्रकिंग में एक वो भी दिया हुआ है ग्लैडस्टोन के नाम से। ग्लैडस्टोन की मैंने ऑलरेडी वेबसाइट भी खोल के रखी हुई थी, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। जिस तरह लिखा हुआ है देयर इज़ अ वन पोजीशन अवेलेबल ओनली, यानी कि यहाँ से वन पोजीशन है जो आप जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ग्लैडस्टोन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आके आप इनकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आप चाहेंगी सर्विसेज में आके देख सकते हैं कि क्या क्या सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या ये काम करते हैं दूसरों के लिए। और आपकी जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उसके लिए मैंने PDF ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जॉब ड्यूटीज़ के नाम से एक फोल्डर है, सॉरी एक पैराग्राफ है जहाँ पे जॉब ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं। तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और दूसरा, ये क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, इसमें कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। तो आप लोगों ने देख लिया है क्या क्या जॉब्स हैं इसमें। उन्होंने ये भी कहा था कि हम कुछ महीनों में इसमें मज़ीद जॉब्स का इजाफा करेंगे। तो जो लोग इंटरव्यू में क्लियर हो जाएंगे वही लोग इस प्रोग्राम के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक की बात है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा से हर किसी को ये कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने एक सेट तैयार करके रखें, जिसमें आपकी मैट्रिक इंटर की मार्कशीट, मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट, अपना IELTS की रिपोर्ट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, शॉर्ट कोर्सेज, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ब्लू और वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट 36 पेजेस का अपना, सब की डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें, क्या पता कब किसके इंटरव्यू क्लियर हो जाए। दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि जिसको जो जल्दी रिस्पॉन्स देता है उसी को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को सीरियस लेंगे और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके ज़रिए किसी और की भी मदद हो सके। हाज़िर होऊंगा मज़ीद न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।